नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेएस 24x7 राजस्थान और मैं हूं यशस्वी सेन। अब चलते हैं खबरों की ओर। आज भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस समारोह को सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इस कार्यक्रम में सभी नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के संस्मरण सुनाए और याद किया। इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता रही सांसद जसकौर मीणा ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मंत्रिमंडल में साथ काम किए अपने अनुभवों को साझा किया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राम कुमार वर्मा ने भी अटल जी के जीवन पर प्रकाश डाला। जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवाड़ी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की दौसा में हुई सभा का किस्सा सुनाया और बताया कि वे सरल हृदय के व्यक्ति थे। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष टीकम सिंह गुज्जर और प्रभु दयाल आभानेरी ने भी विचार व्यक्त किए। इसके अलावा कार्यक्रम में जिला प्रभारी शैलेंद्र भार्गव, जिला कोषाध्यक्ष मुरारी लाल धोकरिया, रवि पालीवाल, मुरारी लाल आभानेरी, शशि शास्त्री, पूर्व सभापति राजकुमार जायसवाल, नगर अध्यक्ष विपिन जैन, अभिषेक मोदी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला, रामेश्वर बंसीवाल, श्रवण वर्मा, महावीर दोई, संजय मालपुरिया, दिलीप कबाड़ी, लक्ष्मी दीक्षित, अजय मीणा, नरेंद्र सोती, राजेश तिवाड़ी, भूपेंद्र राजपूत आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। मंच संचालन सोमेश विजय ने किया। दोसा से सुमन लता जायसवाल की रिपोर्ट। अटल जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष में अटल जी का सपना था सुशासन, और सुशासन से अभिप्राय है कि सबको शासन का लाभ मिले, हर नागरिक सुरक्षित हो, हर नागरिक को विकास की मुख्यधारा में जुड़ना है। और भारत सरकार का सपना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सामूहिक प्रयास, ये अटल जी का भी यही सपना था और आज हमारी सरकार उस सपने को साकार कर रही है। तो हम सब मिलकर अटल जी की जयंती पर अटल जी द्वारा किए हुए यशस्वी कार्य, चाहे वो पोखरण विस्फोट का हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का हो, चाहे नदियों की कनेक्टिविटी का हो, चाहे हमारी रोड कनेक्टिविटी, हमारी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और साथ साथ मोबाइल कनेक्टिविटी भी उनका छूटी हुई सपना था, आज मोदी जी उसको चार चांद लगा रहे हैं और आगे बढ़ा राजस्थान। आज जितना भी स्कीम का आपने देखा कि 3 वर्ष होने पर, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा कि वो हमारी भारत सरकार की योजनाओं का नाम बदल कर जस लेते हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, जबकि उसमें जल जीवन मिशन में भारत सरकार का 50% अंशदान है, उसी से काम किया उन्होंने, अपना अंशदान तो लगाया भी नहीं। यदि अपना अंशदान लगा देते तो दौसा को पेयजल आज मिलने की पोजीशन बन जाती। और इसके साथ दूसरी भी जो योजनाएं हैं, आप ये देखते होंगे कि पक्का घर, जनधन खाता, शौचालय के लिए 12,000 मिलना, गैस का कनेक्शन मिलना, ये सारी की सारी योजनाएं मोदी जी ने लाभार्थी के खाते में पैसा जमा कराया, ताकि बिचौलिया कोई भी इसमें से ना लूट पाए, करप्शन ना हो। लेकिन राज्य सरकारें, जिसमें राजस्थान की सरकार बिचौलियों को बीच में डालकर, चाहे वो बिचौलिए विधायक हो, चाहे उनके कोई भी अधिकारी नुमाइंदे हो, इन लाभार्थियों तक पूरा पैसा नहीं पहुँचने देते। खाते में जो पैसा आता है, आज किसान कल्याण योजना में 12 किस्तें राजस्थान के किसानों को मिल चुकी हैं, 60 लाख किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं। उसके बावजूद अभी अभी भी ये बात आती है कि किसानों के खाते यदि गलत हैं, सही ढंग से खुले हुए नहीं हैं, तो उन किसानों को मार्गदर्शन ना देकर, उनका सहयोग ना देकर, बल्कि ये कहते हैं कि तुम्हारे नाम से तो पैसा ही नहीं आया। इस तरह की गुमराह करने वाली सरकार शायद मैंने तो कभी नहीं देखी। किसी भी तरह से लाभार्थियों को पूरा लाभ ना दे करके और बिचौलिया